मैं बहुत परेशान हूँ यार, मेरे अंदर एक शोर चल रहा है। मेरा दिल चाहता है मैं चीख चीख कर तुम लोगों को बताऊं कि अल्लाह की नाफरमानियों में कोई सुकून नहीं है। मैं जब नमाज में खड़ा होता हूँ अल्लाह के सामने, तो मेरे सामने मेरे तमाम दोस्त आते हैं जो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मेरे सामने उम्मत के हालात आते हैं कि उम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत को इग्नोर करके, शैतान की गुलामी इख्तियार करके खुश है, अपने आप को कामयाब समझ रही है। मेरा दिल बहुत ज्यादा खफा होता है जब कोई ऐसा नौजवान उठकर जवानी के जोश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्मों के जनाजे निकालता है कि जिस नबी ने इस जवान की हया के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं की थी। न जाने मुझे ये फिक्र क्यों होती है आप लोगों की, हालांकि मैं आप लोगों को जानता तक नहीं, कैसे समझाऊं, इल्म नहीं है मेरे पास, बातें नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मिन्नत कर सकता हूँ, हाथ छोड़ सकता हूँ कि प्लीज 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 अल्लाह से दूर मत जाए, आ जाए, बस कर दें, ये नाचना गाना छोड़ दें, ये गफलतें छोड़ दें, ये शैतान की गुलामी छोड़ दें, ये नफ्स के हालात छोड़ दें, पाक साफ जिंदगी इख्तियार कर लें, बहुत हो गया ना, कितना करोगे। नाच भी लिया तुमने, गा भी लिया तुमने, गुनाह भी कर लिए, जिना भी कर लिया, शराब भी पी ली, हैंगआउट्स भी कर लिया, पार्टियां भी कर ली, बस कर दो ना, बस कर दो, तुम आ सकते हो, हम जैसे गुनहगार आ सकते हैं, तुम भी आ सकते हो, प्लीज भाई, प्लीज भाई, प्लीज मेरी बहन, मत करो, बदल दो जिंदगी, छोड़ दो ये अपनी जिंदगी में जितनी भी तुम्हारी गुमराहियां हैं, इसने तुम्हें आज तक सुकून नहीं दिया बल्कि बेसुकून किया। तुम्हें ऐसे लोग मिले हैं जो तुम्हें हर्ट करते हैं, तुम्हें ऐसे लोग नहीं मिल पाए जो सिंसियर हैं, लॉयल हैं। अल्लाह से दूरी ने तुम्हारे अंदर की दुनिया को बर्बाद किया है, तुम्हारे दिल की कैफियतों को कमजोर किया है। खौफ से मजबूत करो, जुड़ जाओ अपने अल्लाह से, अल्लाह की तरफ दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चल कर जाओ, चल नहीं सकते रींग के जाओ, लेकिन अल्लाह के पास जाओ, पुकारो उस सातों आसमान के मालिक को, हर पुकार पर 70 दफा अल्लाह पैक कहेगा। प्लीज यार, बस मिन्नत करने आया हूँ आप लोगों की कि बस कर दो, बेहया मत फैलाओ, अपनी जिंदगियों के दुश्मन मत बनो, लोगों पर रहम करो, अपने लिए जहन्नम को मत खरीदो, अल्लाह का आजाब बहुत 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 ज्यादा सख्त है, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। अल्लाह की रहमत को पुकारो, अल्लाह ने जिन जन्नतों को देने का वादा किया है उस जन्नत के वारिस बनने की कोशिश करो, बस ये कुछ दो चार इबादतें हैं, इनको अपनी जिंदगी में ले आओ, आ जाओ।